तुम्हारे अगले शब्द ने अगर तुम्हारा परिचय नहीं दिया तो यकीन मानो मौत से भी बदतर हो जाएगी ये जिंदगी। मेरा नाम सूट बॉय है और मैं एक सुपर हीरो हूं। मेरी मां कहती थी कि चमत्कार होने के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं, बस तुम उसके लायक हो जाओ। मेरी दुनिया में पहला चमत्कार जब हुआ जब हमने अपने ही मून को अपना दूसरा घर बना लिया। अनस्टेबल होने की वजह से उसे खत्म कर दिया गया और हमारी अर्थ को नई सैटेलाइट्स दे दी गई जिससे हम अपने मूड के हिसाब से अपना वेदर चूज कर सकते थे। इस प्रोसेस ने हमारे दिन रात को 24 घंटे 7 दिन से 30 घंटे 9 दिन कर दिया। कमाल है ना? नहीं, क्योंकि जब दूसरा चमत्कार हुआ तो उसने सब कुछ बदल के रख दिया। क्यों किया तुमने ऐसा साल? क्यों? हमारे लोगों की जान खतरे में थी मिलान। करोड़ों को बचाने के लिए हजार दो हजार मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है मिलान, ये इनविजिबल सूट कोई वेपन नहीं है जिससे तुम किसी भी सैटेलाइट को फौर से खत्म कर दो। इस दुनिया के लोगों ने हमारी पूरी दुनिया खत्म कर दी। वो महज एक एक्सीडेंट था मिलान, भूल जाओ उसे। एक एक्सीडेंट की वजह से हमारी पूरी दुनिया खत्म हो गई। उन्होंने मून को अपना दूसरा घर बनाने की कोशिश की और जब वो मून सह नहीं पाया तो उन्होंने उस पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी। वो नहीं जानते थे कि हमारा प्लेनेट अर्थ और मून के बीच में है। इसमें उनकी क्या गलती? उन्होंने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है साल। मैंने अपनों को खोया है और अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये उन्हें महसूस होना चाहिए। अगर तुम भी वही करोगे तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? ये वो सूट चाहिए बस। आई एम सॉरी मिलान, मैं एक और अपना नहीं खोना चाहता साल। मैं भी मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे दिल में बहुत वक्त से बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले, पर कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। मुझे पसंद है जब तुम ऐसे कोचिंग के बाहर आके जोर से हंसती हो और वो कुछ अजीब सा खाती हो। मुझे पसंद है तुम ऐसे भीड़ में मुझे पलट के देखती हो बहुत कॉन्फिडेंटली। तुम बहुत डेयरिंग हो यार। आज तुम्हें बुलाने की एक खास वजह और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि पानी लगा गया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या मान जाएगी ना? माने ना माने, यह बिल पूरा पे करके जाइयो। Okay.
तुम्हारा फेवरेट? मेरा फेवरेट? मैं तो ये पीती ही नहीं। क्या तुम्हारी कॉपी के पीछे लिखा हुआ था? मैं तो फेवरेट चॉकलेट भी लाया हूँ। कॉपी के पीछे? अच्छा, वो प्रिया ने लिख दिया था ऐसे ही, उसे उसके बॉयफ्रेंड को बताना था। लड़कियों में ऐसा होता है। कुछ खाओगे? आयुष, घर पे मम्मा ने बनाया हुआ है, अगर घर जाकर नहीं खाया ना तो मेरा भूत बना देंगी वो। वैसे आज अचानक यहाँ क्यों बुलाया? कोचिंग के बाहर भी मिल सकते थे। कुछ खास है? हाँ। क्या खास है? आप, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मुझे तुमसे कहना था कि तुम मुझे पसंद करते हो। हाँ, तुम्हें कैसे पता? कॉपीज पढ़ना सिर्फ तुम्हें ही आता है क्या? हम कितने दिखाया था। आयुष, तुम मुझे किसी पेन ड्राइव के बारे में बताने वाले थे ना? एक्चुअली एक पेन ड्राइव है और उसमें काफ़ी सारी फिल्में हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ देखूं। विच फिल्म? बहुत सारी हैं, टाइटैनिक, 50 Shades of Grey, लाला लैंड, 2-3 और हैं। आयुष, तुम ना मालूम नहीं कैसे कैसे नाम लेते हो। मतलब सी, क्या है तुम्हारे पास? एक सेकेंड। हेलो। हाँ मामा, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। ओके आयुष, आई हैव टू गो, मैं तुम्हें घर जाके टेक्स्ट करती हूँ। ले जा। आई एम सॉरी तुम्हें इस तरह यहाँ पे बुलाने के लिए, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। स्टॉप। मैं यहाँ किस रास्ते से आया हूँ? वक्त बहुत कम है और समझाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। Am I dead? पर मेरा तो कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। एक सेकेंड, what the fuck? क्या इस अजीब सी चीज़ ने मुझे मार दिया? तुम मरे नहीं हो आयुष, और ये जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। ये प्लैनेट बी के आखिरी इनविजिबल सेल से बनी हुई प्रोडक्शन है। इसने तुम्हें चुना है। मुझे चुना है? पर मैं तो किसी इलेक्शन में खड़ा भी नहीं हुआ। और एक सेकंड, ये प्लैनेट बी ये क्या लगा रखा है भाई? तुम्हारी दुनिया खतरे में है आयुष, और सिर्फ तुम उसे बचा सकते हो। मैं
प्लैनेट बी के आखिरी इनविजिबल सेल से मैंने एक सूट बनाया है और मेरा भाई मिलान उस सूट को मुझसे छीनना चाहता है ताकि वो तुम्हारे अर्थ की सैटेलाइट में स्नूपिंग कर सके और एक एक करके उन्हें तबाह कर सके। इससे क्या होगा? तुम्हारी अर्थ का कोई मून नहीं है, इन सैटेलाइट्स की वजह से तुम्हारी अर्थ स्टेबल रहती है और अगर मिलान ने वो कर लिया जो वो चाहता है तो तुम्हारी अर्थ खत्म हो जाएगी और साथ ही तुम्हारा यूनिवर्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा प्यार, एवरीथिंग। मुझे क्या करना? ग्रेट, मेरी शिप तक जाओ जल्दी, इससे पहले मिलान वहां पहुंचे। और हाँ आयुष, वादा करो तुम इस सूट का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट व्हाई मी? तुम खास हो, आई बिलीव इन यू, यू हैव टू सेव पीपल। साल, साल, साल! नहीं, 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 नहीं! तुम किसी को बता रहे हो सूट के बारे में? मैं तुम्हें किसी को सूट के बारे में बताने नहीं दूंगा। Password. What the fuck is going on? Accepted. हेलो आयुष, तेरी हेल्प चाहिए यार। हाँ बता। पिछले 7 साल पहले तुम्हारी न्यूज़ चैनल ने एक फुटेज दिखाया था। वो न्यूक्लियर मिसाइल प्लैनेट बी वाली? हाँ हाँ हाँ, प्लैनेट बी के बारे में कुछ था। तेरे पास वो फुटेजेस पड़ी हैं क्या? फुटेजेस तो यार नहीं होंगी, वो ब्लॉग वगैरह आ गए थे ना कि फिक्शनल है, तो दबा दिया था यार उस बात को। अच्छा, कुछ खास है क्या? नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, कॉलेज प्रोजेक्ट है वही बना रहा था। ऑनलाइन देख यार, मिल जाएगी। नहीं नहीं ठीक है, कूल है। चल ठीक है, चल मिलता हूँ फिर। ठीक है।
NASA just announced the discovery of 500 new planets. They're all orbiting other stars, not our sun, but one of them shares some similarities with Earth. Meteorologist Tom Sater is joining us now with the details. How many similarities are we talking about? Well, there's criteria to be Earth-like. This is such an interesting and profound statement, really, from the scientists of NASA. Let's back up first. Let's talk about this Kepler activity that we have seen and talked about. In fact, if we can get this, here we go. The Kepler spacecraft took off in 2006 from Cape Canaveral. Its only mission was to locate Earth-like planets. Now, they've actually discovered 4,700 objects, but 1,030 are confirmed planets. They're called candidates. कितना हुआ? 20 पाए हुआ भैया। शारु। हाय। अरे सॉरी यार, वो ना कल तो मैं घर पहुंच के टैक्स नहीं कर पाया। कहाँ गायब थे? क्या बताऊँ यार, वो तुम्हारे जाने के बाद ना कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ बदल गया। क्यों? कोई सुपर हीरो तुम्हें पावर देके चले गए क्या? हाँ। You know what? तुम्हारी यही चीजें मुझे बहुत पसंद है। तुम बड़े मिस्टीरियस हो, कुछ अलग, तुम्हारी बातें भी ना। मैं सच कह रहा हूँ चारू। आयुष, और कितना टाइम लगेगा? मुझे घर भी जाना है। बस आया। Wow, Ayush, you look so hot. I want to show you something. उसने कहा था बी सेफ, और यहां देखो तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो? तुम
तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, अब और नहीं। ब्रह्मांड के बारे में मुझसे ज्यादा तुम्हें ज्ञान नहीं। व्हाट? ब्रह्मांड? तुम जो भी हो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे मेरे डैड से मिलना है। तुम जैसे शख्स का कोई औरा नहीं। और तुम कब से लोगों की फिक्र करने लगे? हाँ, और ये नकली परिवार की क्या माया है? I don't know what language you're talking about. अगर ये हिंदी है तो यकीन करो हमारे यहाँ इतनी शुद्ध तो देसी एंडिंग्स भी नहीं होती जितनी तुमने अपने हर लफ्ज में समाई है। ओह, 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 माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। पता नहीं था तुम्हारे यहाँ सरकेजम किसी को नहीं पसंद। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? जंग के कुछ पल बाद ही तुम क्यों गायब हो गए? कहाँ है मेरे सारे साथी? मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए। हे हे हे, मेरा यकीन करो तुम्हारी इस कानूनी कार्यवाही में मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। और अगर ये तुम्हारी दुनिया का कोई YouTube प्रैंक है तो प्लीज इसे बंद कर दो। मैं हाथ ही लाता हूँ। कैमरा किधर? इधर है, किधर है, इधर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, अर्थात पुनः किसी का वर्णन करने के लायक नहीं रहोगे। एक बार ये चेन खोल के देखो, फिर बताता हूं। वही गुरूर, वही लालच, वही पछतावा, यही नजर आता है तुम्हारी आंखों में। तुम्हें क्या लगता है, तुम इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? नोप, जान ने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर मुझे यकीन है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। क्यों नहीं मारूंगी तुम्हें? क्योंकि तुम हॉट हो, एक ऐसी महिला जो सुंदर भी और कठोर भी, खुद को बैलेंस करने के लिए करना पड़ता। मैं वो नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं ये कई बार बता चुका हूं। साबित करो। सैटेलाइट M35 में सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और कंसोल को 2 घंटे का रेंडर टाइम दिया है, जिसका असर आप सभी की रात 8 घंटे की ना होकर अब मात्र 6 घंटे की हो जाएगी। उठ गए लाट साहब? क्यों उठ गए? अभी तो सुबह हुई नहीं। सोचा आगे क्या करना है आपने? 2 महीने में कोचिंग खत्म हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, फिर क्या करोगे? पापा सिंगर बनना है मैंने। सिंगर? हाँ, एल्बम बनानी हो। एल्बम? तुम्हारी माँ चाहती थी कि मैं इस बिजनेस को ऊपर ले जा सकूं और तुम्हें बेटर सा फ्यूचर दे सकूं। मैं मानता हूँ कि मैं आपको पूरा वक्त नहीं दे पाता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हारी माँ को वायदा किया था कि मैं इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। ये बिजनेस एक कोशिश है ताकि मैं तुम्हारी माँ का वायदा पूरा कर सकूँ। समझता हूँ डैड। आई एम नॉट योर मदर, बट एटलीस्ट लेट मी बी ए परफेक्ट फादर। डैड, यू आर परफेक्ट। आपको ये सब करने की जरूरत है ही नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, बट प्रॉमिस मी कि बिजनेस शुरू होते ही आप मुझे मेरी एल्बम बनाने से रोकोगे ना। वेरी नॉटी लाइक मम्मी। La 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 la
चारू। क्या? चारू से मिला था। ना आ रही हो अभी, बाद में ही। मैं वेट कर लेता हूँ। बाद में आइयो, ठीक है? ना आ रही हो अभी, बाद में आइयो। आयुष, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। तो चिल्ला क्यों रही है? वो कॉकरोच आ गया था। तो खा लेना उसको। छी भैया, फालतू का चिल्ला रही है। तुम कितना डरती हो यार। It's not a joke, आयुष। अगर भैया को पता चल जाता ना तो पता नहीं क्या होता। मैं सोच भी नहीं सकती। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो यार? उन्हें पता थोड़ी चला। It was wrong, आयुष। मुझे नहीं पता कि कब हम इतना क्लोज आ गए कि तुम मेरे बाथरूम तक भी आ गए। और मैंने अभी तक तुम्हारे प्रपोजल का आंसर नहीं दिया है। I thought... Thought? तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो आयुष। Stop thinking too much. It's not a fiction world like yours. We are real. तुम चीजों का गलत इस्तेमाल करते हो। And stop using that cloth for this. I'm sorry यार, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। तुम खामखा इतना गुस्सा कर रही हो। खामखा? ना समझ पाया, ना समझ पाया, ना समझ दिल। ना समझ पाया, ना समझ पाया, ना समझ दूँ। के हाँ प्यार तो है, पर दिल का धड़कना कहीं छिप गया है। प्यार तो है, कोई जिस्म में छिपके कहीं रो रहा है। के दुनिया से अब भी छिपा के रखा है। प्यार तो है, कहीं सपना वो दिल में सजा के रखा है। क्यों डेट चल रही है आजकल? अबे यार, ठीक है ना भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? वो नाराज हो रखे मेरे से, तेरे को अपनी पड़ी है। गुस्सा है? एक काम कर, तू उसे मैसेज कर और बोल। क्या? चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्म और हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। इसका क्या मतलब है? एक सेकंड, तेरे पास मेरी पेन ड्राइव है क्या? बंदे पेन ड्राइव दे दे। हाँ सब तू ही ले ले। पेन ड्राइव अंकित, मैं बता रहा हूँ, पेन ले ले ना। मेरा पर्स, मेरा पर्स, प्लीज उसे पकड़ो, उसमें मेरे बेटे की दवाइयां, मैं दोबारा नहीं कर सकती, प्लीज पकड़ो उसे। जानता हूँ तुम यही हो। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक पर्स होगा, लेकिन उस पर्स के अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है। चुपचाप वो पर्स मुझे लौटा दो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता। अच्छा, बंटी से पंगा।
बुलेट प्रूफ। अब आ बेटा, तेरे को कहानी सुना। लाल किले कौन मार रहा भाई? कौन इनके पूरे में? अब तो जेल पड़ेगा। लगी भी नहीं और आवाज कर रहा है। इसकी तो तू पागल है क्या? रेलवे स्टेशन में वाली सुनेगा क्या? सुनना। कर देना यार वापस। ये लीजिए आपका पर्स। थैंक यू। यू आर वेलकम। तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर इंडिया। अच्छा, तुम बने हो इस साल मिस्टर इंडिया? इस साल कोई और भी है क्या मिस्टर इंडिया? हाँ, मेरी दीदी के लड़के ने भी पार्टिसिपेट किया था पर वो बना नहीं। तुम जानते हो उसे? रिकी नाम है उसका। अब जाओ ना, उसकी दवाई का टाइम हो रहा होगा। वो हाँ, थैंक यू। अंकित, अंकित चलना। हाँ ओके। तो सूट के साथ और क्या क्या कर सकता है? कुछ खास नहीं, मैं बस गायब हो सकता हूँ और सूट पहनने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो मतलब तूने इस सूट के साथ कुछ नॉटी किया? मतलब? अरे मतलब किसी के साथ मस्ती करना या ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास ये सूट होता ना, मैं तो बाय गॉड यार किसी के घर में घुस जाता। कुछ ऐसा ही तो कर दिया मैंने उसके बाद। क्या क्या कर दिया तूने? तू उसके बाथरूम में घुस गया? मतलब एक लड़की नहा रही है और तू उसके बाथरूम में घुस गया? हाँ हाँ, बाथरूम में। ये तेरी कोई नहीं सकती है ना? हाँ बेटा, बता नहीं रहा है भाई। सुनना भाई, लद्दाख ले चलना यार प्लीज। तुम सूट का गलत इस्तेमाल कर रहे हो आयुष। जाल, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें वेट करना होगा मिलान का। उस लेडी को मेरी मदद की जरूरत थी। उसकी मदद के लिए तुम्हारी दुनिया में पुलिस डिपार्टमेंट भी है और तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो। बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। क्या तुम उन सब की मदद कर सकते हो? मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो आयुष, मिलान के लोगों को अगर पता भी चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और तुम इसके लिए तैयार नहीं हो अभी। जाल, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर उस लेडी की मदद करना गलत था तो माफ करना जाल, मैं ये कर नहीं पाऊंगा। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में दो खुशियां आती है तो इसमें गलत क्या है? हम लोग खुशियों के तो भूखे हैं ना। अगर इस दुनिया में जिन लोगों के पास पावर है वो औरों की मदद करना बंद कर दें तो मुझे नहीं लगता जाल कि इस धरती को खत्म करने के लिए किसी सैटेलाइट को ब्लास्ट करने की जरूरत पड़ेगी। हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। लगता है सूट सही हाथों में। हाथ पीछे करो।
और इस बंदर को बोलो पीछे पलट जाए। पलट जा। तो रोहन की शादी हो रही थी ना, लॉलीपॉप 3.1। वाओ, फिकर मत कीजिए बॉस, हमने कोड 37 लॉन्च कर दिया है। सारी इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि वो सूट लाल ने किसे दिया है। हम आपके साथ हैं बॉस। कहानी अच्छी है पर यकीन करने का मन नहीं कर रहा। क्या मैं तुम्हें किसी फिल्म का डायरेक्टर लगता हूँ क्या? Why don't you take me serious? तुम मुझे गंभीरता से क्यों नहीं लेती हो? तुमने बहुत लोगों की कहानियां लिखी होंगी, मैं तुम्हें मेरी कहानी लिखने नहीं दूंगी। चारू आराम से भाई, देखा मुझे तो पता ही था कि ये तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तू ना मत करा कर ये सब। मैंने फिल्मों में देखा यार कि सुपर हीरो की सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर उनका प्यार बन जाता है, अब चाहे वो चारू का हो या डैड का। तुझे क्या लगता है कौन तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है?
ये कैसा सवाल है भाई? ऑफ कोर्स पापा। और वो तुम मुझे क्या कर रहे थे? देख रहा था कि तुम बच्चे किस तरीके से सूट का टेस्ट कर रहे हो। लगता है जाल में तुम्हें कुछ पता है नहीं। तुम कैसे जानते हो जाल को? बताओ नहीं तो तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे ये लो मेरा बेटा आ गया। पापा पापा कौन है ये लोग? ये बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी से आया है और तुम्हें ढूंढ रहे थे। आपको किसने कहा? इन्होंने ऐसा कहा है। ओफो पापा, तुम इनसे मिल, अपना सपना पूरा करो। ठीक है। आपके पिताजी बता रहे थे कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। रियली? या इनफैक्ट उन्होंने बताया कि कैसे आप आजकल अपनी न्यू वीडियो पे काम कर रहे हैं और लेडीज के पर्स उन्हें कैसे वापस दिलवाते हैं। कौन हो तुम लोग? हम कौन हैं, क्या हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो कहाँ हैं? क्या मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सूट, वो कहाँ है? कैसे जानते हो सूट के बारे में? एक बात अच्छे से जान ले बच्चे, वो सूट कोई खिलौना नहीं है। चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो, वरना वरना क्या? तो कब से शुरू कर रहे हैं एल्बम का काम? आज से शुरू कर दो आप। आज तो थोड़ा काम है, कल से करते हैं ना। ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा सर, अब हम चलते हैं। आयुष से मिलकर थोड़ा उसको जान तो लो। अरे इनको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आयुष बेटे, अगर ये जाना ही चाह रहे हैं तो इनको बाहर तक ड्रॉप कर दो। ये लड़ाई हमारी और तुम्हारी नहीं है, वो सूट हमारे वाले कर दो। कभी नहीं। मुझे पता है तुम जाल से मिल चुके हो और उसने तुम्हें इतना मोटिवेट किया है कि तुम सच में मान चुके हो कि इस सूट का इस्तेमाल तुम्हारे प्लेनेट को खत्म करने के लिए किया जाएगा। क्यों ऐसा नहीं है? तुम्हें क्या लगता है एक छोटी सी चीज तुम्हारे प्लेनेट को खत्म कर सकती है? जो दिखता है उस पर यकीन करो आयुष, और हम दिख सकते हैं। जो इंसान तुम्हें दिखाई तक नहीं देता तुम्हारे पिता को कैसे बचाए?
I'm sorry. अरे यार चारू, तुमने मेरे को डरा ही दिया यार। अब ऐसी हरकतें करोगे तो क्या? तुम लेट तो नहीं हो रही हो ना? अभी तो आई हूँ, अब क्या चाहते हो, वापस चली जाऊं? अरे नहीं नहीं, अरे मजाक कर रही हूँ दू। आप चारू, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है आयुष? मेरे को ना तुम बहुत पसंद हो यार, लाइक लिटरली। अच्छा? अरे क्या अच्छा? अच्छा रिप्लाई करना है क्या? मुझे भी तुम पसंद हो, फिलहाल के लिए। क्या मतलब? आयुष, we need to talk. हमारे पास वक्त नहीं है, इधर आओ। Can I borrow your man for a minute? कौन हो तुम? मेरा नाम ज़िलियो है और मैं यहाँ तुमसे उस सूट के बारे में बात करने आई। मुझे ज़ाल ने भेजा। दो कदम पीछे हट जाओ, 'cause I'm having my moment with my girlfriend. और जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब तुमसे बात करूंगा, चाहे कितनी भी इमरजेंसी। What? क्योंकि यही तो होता है, पहले मुझे वो सूट दे दिया, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई और आज मेरे घर तक लोग आ गए जो मुझे धमकियां दे रहे हैं कि अगर मैंने वो सूट उन्हें नहीं दिया ना तो मेरे डैड को मार देंगे। वो लोग यहाँ तक पहुँच गए। तुम जानती हो उन्हें? हाँ, वो लोग प्लैनेट बी के वॉर मोड सैटेलाइट एक्स से आए। एक सेकेंड, चलो मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है लेकिन बहुत अजीब है और मैं नहीं चाहता सबके बीच में तुम्हें चोट लग जाए। क्या तुम घर जा सकती हो? ठीक है। तुम नाराज नहीं हो? नहीं, मैं भला क्यों नाराज होंगी? वो इतनी हॉट भी नहीं है, ना ही वो इतनी कूल है, इवन उसके बाल भी मुझसे अच्छे नहीं है, और ना ही वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती होगी। ओह, यू लव मी? ओके बाय। हाँ तुम क्या करती वॉर मोड पबजी? दे आर द बैड गाइस। और तुम? आई नो तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, बट वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। मुझे ज़ाल से बात करनी है। यू कांट। क्यों? जब उनका मन करे वो उससे बात कर सकते हैं और जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो खामोश है मनमोहन सिंह की तरह। यू नो मनमोहन सिंह? यू डू नो मनमोहन सिंह? या, बट आई डाउट हाउ डू यू नो अबाउट अर्थ वन। मेबी दैट इज द रीजन ज़ाल गेव दिस सूट टू यू। मुझे वो सूट किसी ज़ाल ने नहीं दिया, वो मुझे गलती से मिला। Do you think ज़ाल the genius अपनी दुनिया को बचाने के लिए वो सूट एक बच्चे के पास दे देगा, वो भी गलती से? मुझे ज़ाल से बात करनी है। You can't, I just said. क्यों? Because he's dead. I know, पर वो मुझसे बात करते हैं। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो प्री रिकॉर्डिंग्स है। प्री रिकॉर्डिंग्स? या, ज़ाल की लास्ट रिकॉर्डिंग्स तुम्हें सुनाई देती है। Why would he do that? उनको पता मैं सब बोलने वाला हूँ? ज़ाल, the genius, I said. इसका मतलब सूट का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये pre-planned साजिश थी। ज़ाल कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाता। तुम्हें ये सूट देने का कोई तो पर्पस है, पर फिलहाल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि तुम मनमोहन सिंह के बारे में कैसे जानो। I'm never going to tell you about this. This is my secret. Stay away from it. Hello, hello, Ayush, bhai, please bacha le yaar mujhe. Ek danav jaisa aadmi mere ghar mein ghus gaya hai aur mujhse baar baar suit maang raha hai. Kaun sa suit hai bhai? Mujhe bahut dar lag raha hai yaar. Ye cheeze idhar se udhar fek rahe hai. Please bacha le bhai mujhe. Please yaar, jaldi aa jaa yaar. Wo tu? Bhai, aaj to bach gaya. Ye kaun hai? Baat to batao. Kahan pe? मुझे ढूंढ रहे हो?
तुमने इसे मार क्यों दिया? क्योंकि इसे मारना जरूरी था। क्यों? तो तुम्हें क्या लगा इसको पुलिस के हवाले कर देते? Obviously. लोग अभी तैयार नहीं है आयुष ऐसे लोगों को फेस करने के लिए। So trust me, because I'm here to save you and your father. पार्टी करके जी पापा मैंने खाना बना के रखा था प्लेट में डाल के रखा था खा लेना सर कोड 37 उसे खत्म कर देगा। ये तो कोड 37 है। कोई है? मेरा आज का हो गया। अरे कोई एफएम है क्या? जाते रहो। हो सकता है ये सच कह रहा हो। ये वो नहीं है। इसकी शक्ल भले ही उससे मिलती है पर ये वो नहीं है। और वैसे भी वो मायावी है। हो सकता है उसने इसे ही देखकर इसका रूप धारण किया। मेरा मन ये मानने को राजी नहीं। हमें संदेह है कि ये वही है। तो अब तक तो वो हमें बता चुका होता। वो ऐसी कहानियां क्यों सुनाएगा? वक्त साया मत करो नारी, हमें और भी काम है। जी क्या सच में तुम्हारी कोई अलग दुनिया है? क्या सच में तुम्हारा कोई चंद्रमा नहीं? हाँ तो ठीक है, कल तुम्हें मुक्त कर देंगे। मुक्ति मतलब तुम्हें आजाद कर देंगे। आज क्यों नहीं? सुबह होने में वक्त है और तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, तो शुरू हो जाओ। ओए पुत्र आजा, तेरे पापा ने फेवरेट डिश बनाई है। आया पापा। देख पराठा, पनीर पराठा। ओए और ये देख लस्सी। पापा लस्सी में नमक है चीनी? एक सेकेंड थोड़ा चख के जरा बताओ। आप फिर से बोल गए ना, मैं नमक नहीं डालता लस्सी में। ओहो। बाकी पापा पराठा सेक्सी लग रहा देखने में ना। मेरे हाथों में जादू है। तेरी मम्मी भी मुझे यही करती कहा करती थी कि आपके हाथों में जादू है, बहुत अच्छा बनाता हूँ।
तुमने लेटर आज तक नहीं पढ़ा? नहीं। क्यों? डर लगता है कहीं टूट ना जाऊं। हे, एक लेटर पढ़ने से तुम टूट क्यों जाओगे? मैं 7 साल का था जब मेरी माँ गुजर गई। डैड ने बताया कि वो एक कार एक्सीडेंट था, पर शायद वो सच नहीं है। मैंने देखा उनकी आंखों में जब भी मैं उनसे माँ के बारे में बात करता हूँ। आयुष, मैंने भी अपने लोगों को खोया और मैं जानती हूँ कि कैसा फील होता है, पर क्या तुम जानते हो कि अंदर जो तुम्हारे डैड है वो तुम्हारी मॉम को कितना मिस करते होंगे? तुम्हारे पास तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी लाइफ है, पर तुमने कभी सोचा है कि उन्हें कितना अकेला फील होता होगा? उनके पास सिर्फ तुम हो आयुष, सिर्फ तुम। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी मॉम को मिस मत करो, मैं बस इतना कह रही हूँ कि लव व्हाट यू हैव, बी विद योर फादर। Hello, Daddy. Ayush! Dad? Dad! Papa! Celio! ये सिर्फ बेहोश है। तुम्हें कैसे पता? सिस्टम फंक्शनिंग। मैं इन्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। आयुष, वी हैव टू चेज देम। वो सूट मिलान तक नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। ट्रस्ट मी, ही विल बी फाइन। मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ना। हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? मैंने उनमें से एक का फ्लाई बॉल डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अकेले मिलान के पास नहीं जाएगा, वो पहले उस फ्लाई बॉल को ठीक करेंगे और उसके बाद उस सूट को मिलान तक लेके जाएंगे। और मेरे डैड? Don't worry, he'll be fine. हम उन्हें ट्रैक कैसे करेंगे? हम उन्हें ट्रैक कर चुके हैं। सीट बेल्ट बांध लो, मंजिल आगे से राइट। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। क्या मजाक है क्या? ये मैंने कभी नहीं चलाई। इसे ऐसे लोड करते हैं और सामने जो भी दिखे उड़ा दो।
डैड को तो बचा लिया, पर उसे कैसे बचाओगे? क्या मतलब था उसका? चारू सेफ नहीं है। ओके, लेट्स गो। गेट तो बंद है, आवाज भी नहीं आ रही। शायद चारू घर पे नहीं है। आयुष को बताना पड़ेगा। हेलो 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 अंकित, तू उसके घर पहुंचा क्या? हाँ, वो यहाँ घर पे तो नहीं है। वो कहाँ जा सकती है यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मिलान उसे कुछ करना दे। मेले में? हाँ, मेले में जा सकती है। मैं पहुंच रहा हूँ, तू भी जल्दी पहुंच। ठीक है। सुन, उधर जाओ, मैं इधर जा रहा हूँ। ठीक है, भाभे किधर हो? भाभे चारों यार, तुम किसी मुसीबत में ना हो। कहाँ हो? भाभी सूट बॉय है आपको बचाने। आयुष, थैंक गॉड फैमिली के साथ। मेरा फोन कहाँ? बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अपना कम ड्रामा क्या करो। कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कम ड्रामा किया करो। क्या करूं, बेहोश बाप को छोड़ के चले गए। डैड, नो मैटर व्हाट, आई लव यू। ये बहुत पुरानी बात हो गई है, कुछ नहीं करो। आज ना खाना मैं बनाऊंगा। नहीं, रसोई में, मेरी रसोई में मत घुसना, मेरी रसोई में मत घुसना।
whether do you want to choose? It's cloudy. Weather confirmed. It's cloudy to the area P106. Let's see what you have, Sir Boy. Hey, tum yahan? Just checking out on you. Thank you. Matlab? Aaj meri jaan bachane ke liye aur mere dad ki thi. No, I didn't save them. You did. Like a superhero? Yeah, I want to tell you something. What? तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना जाल ने बताया था. I thought कि हमारी बनेगी ही नहीं. But now, see. एक सेकंड. जाल ने बताया मैं बुरा हूँ. You know, मैं इतने टाइम से तुम लोगों के बीच में हूँ. कुछ अलग सा फील होता है. अलग सा फील होता मतलब? यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें बांध के रखता है. You mean love? Oh, you call it love? Yeah, जब आपको फिकर हो किसी की और आप बिना मतलब के केयर करते हो अपनों की, I guess. अपनों? How do you define अपनों? हमारे आसपास के लोग मिलकर इस जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं. उनका हमारी खुशी में खुश होना, दुख बांटना, सुख पार्टनर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज बिना किसी वजह के दूसरों का ख्याल रखना. जस्ट लाइक यू डिड. थैंक्स दो. आई डिड ऑल दिस फॉर चिल्लियो. मुझे मत मारना. What? नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं. मैं तो बस ये देखने आया हूं कि वो कौन है जिसने मेरे लोगों की नाक में दम किया हुआ है. वो कौन है जिसने मेरे लोगों का वजूद मिटा दिया? और वो कौन है जिसने मेरे मिलान के प्लान को खत्म कर दिया? I can explain. Hey, जाल मेरा भाई था. जाल द जीनियस. एक बार किसी को चुन लेता है वो डरता नहीं. सो बी कूल. मैं तुम्हें या तुम्हारे डैड को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं. मैं यहां तुम्हें बताने आया हूं कि मेरा रचा हुआ खेल अब खत्म होने को आया है और बाजी मेरे हाथ में. मैं चाहता हूं कि तुम इस गेम के प्लेयर नहीं दर्शक बनो और देखो कि कैसे मिलान तुमसे हर वो चीज छीन लेता है जिससे तुम प्यार करते हो. You'll be fine. What? मिलान की नाइफ से आज तक कोई नहीं बच पाया. कोई तो तरीका होगा. There is no other way. तुम्हारी दुनिया में आज तक इसका कोई लाश नहीं. What? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा ज़िलियो. मेरी दुनिया में ही तो किसी और दुनिया में तो होगा. I'll do anything to save you. एक दुनिया. मुझे बताओ मुझे क्या करना. ये अर्थ वन है. इस दुनिया की टेक तुम्हारी दुनिया से बहुत पीछे. But they are known for their culture. उनके पास ऐसी ऐसी medicines हैं जो मुर्दे को भी जिंदा करते. ये यमपुत्र की पूजा करते. अगर वहां जाके ये लीफ ले आओ तो मैं बच सकती. मैं जाऊंगा. आयुष, आज तक उस दुनिया से कोई वो मेडिसिन लेकर नहीं आया. आई वांट टू सी यू अगेन. हाउ विल आई गो? टच दिस.
और जब तुम्हें वो मेडिसिन मिल जाए तो इसे अपने बटन से अटैच कर लेना, तुम यहाँ वापस आ जाओगे। ये मैं कहाँ गया? ये सूरज इतना गर्म क्यों? वो मेडिसिन से ही कहीं आसपास होनी चाहिए। कमान दवाइयां मुझे मिल जाओ, जीलो को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। अबे ये मेरे को क्यों देख रहा है? भाग आयुष, ये तो वही मेडिसिन है। उनकी रूह को ठेस पहुंचा रहे हो। पापा आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटे, खन्ना साहब से मीटिंग है, दिल्ली जा रहा हूँ। आप कब तक वापस आओगे? कोशिश तो आज की है, कल पक्का आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। हाँ बा, एक मिनट आओ, बैठो बेटा। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि आजकल आप कुछ बात नहीं बताते, कुछ शेयर नहीं करते, कैसा चल रहा है, सब ठीक है ना? हाँ पापा सब ठीक है, इट जस्ट आप थोड़ा बिजी रहते ना तो आपसे चीज़ें शेयर नहीं कर पाता हूँ, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं, अब बेफिक्र रहो। बेटा पापा से झूठ बोलने लग गए हो। पापा ये जो भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं सबके बीच में फंस गया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ये सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा, एंड नो मोर सीक्रेट्स। क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, इससे लड़ने के लिए मुझे आपका भरोसा चाहिए।
अगर आप मुझे भरोसा नहीं करेंगे ना तो मैं कभी इन चीज़ों से लड़ नहीं पाऊंगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। मैंने आपसे यही तो सीखा है डैड, एंड मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई होप दिस इज द एंड। अच्छा मैं चलता हूँ, कल मिलता हूँ। वो चले गए। आयुष मुझे बहुत डर लग रहा है, साल ने कभी इसके बारे में नहीं बताया। मिलान के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम कभी नहीं जान पाएंगे। इस वक्त हमें एक दूसरे का हौसला बनाए रखना बहुत जरूरी है, और ना हम उसे कभी हरा नहीं पाएंगे। वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा आयुष, वो इस धरती की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर कैसे, सूट तो मेरे पास है, और जिस तरीके से वो बात कर रहा था मुझे नहीं लगता उसे अब ये सूट चाहिए। तो अब मिलान करना क्या चाहता है? वही तो हमें जानना है। मैं उसे ट्रैक कर सकती हूँ। उसके किसी भी स्पेसशिप की लोकेशन यहाँ विजिबल नहीं है। फिर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? हमें इससे भी एडवांस टेक चाहिए। न्यू अपडेट। आओ मेरे सुपर हीरो, मुझे ढूंढने में ज्यादा मुश्किल तो नहीं आई। हम बात कर सकते हैं मिलान, इस जंग का कोई फायदा नहीं है। जंग? नहीं 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 नहीं, नहीं। किसने कहा तुमसे? मैं या तुमसे जंग लड़ने नहीं आया। क्या तुम्हें ज़ीलियो ने ये नहीं बताया? ज़ीलियो, तुमने सूट बॉय को नहीं बताया, तुम उसे मुझ तक यहां लेकर आई हो। क्यों किया तुमने ऐसा? ज़ीलियो, it's time to come back to your master. बस अब यही देखना बाकी रह गया था। आयुष अगर इसे आज नहीं रोका ना तो सब खत्म हो जाएगा यार, फिर काहे का सुपर हीरो? मुझसे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। एक सेकंड, कहीं ये ज़ीलियो के जाने का गम तो नहीं? मैं समझ सकता हूं आयुष, लेकिन अगर तुम चाहते हैं तो तुम मेरा साथ दे सकते थे दुनिया खत्म करने में। यस, हे आयुष, आई कॉल इट जस्टिस। तुम्हारे दुनिया के लोगों ने मेरी दुनिया खत्म की, ज़ीलियो की दुनिया खत्म की, और अब मैं तुम्हें मार के उन लोगों का बदला लूंगा। वो एक एक्सीडेंट था। और ये भी एक एक्सीडेंट होगा। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। कोशिश करके देख। जब तुम खुद को बनाने वाले से नहीं लड़ सकते तो तुम उससे कैसे लड़ोगे जिसने ये सूट बनाया है? मैं जो भी हूं बिना सूट के भी हूं, और जो तुम हो वो लेट इट बी। मुझे पता है तुम क्लासेस थोड़ी कम जाते हो। तुम्हें देख के लगता है
तुम्हारे लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। मैं चाहता था कि तुम्हारी धरती को खत्म कर दूं, पर अब ये मुमकिन नहीं क्योंकि तुम बीच में आ गए। लेकिन इस मिसाइल से कम मैं तुम्हारी अर्थ के 3 सैटेलाइट तो खत्म कर ही सकता हूं। ये गलत है मिलान। आई नो तुम्हारे अपने लोग तुम पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं मिलान कि ये सब करके तुम एक जंग का ऐलान कर रहे हो जिसमें तुम्हारे अपने लोगों की भी जाने जाएंगे। मिलान, करोड़ों को बचाने के लिए 1,000-2,000 मर भी जाए तो क्या, जस्टिस तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी बड़े बड़े काम करने के लिए सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते हैं। I won't let you do this. अगर मैंने कोशिश नहीं की तब भी तो खत्म हो जाएगा ना। एक चांस तो बनता। तुम मर जाओगे। कम से कम 1,000 तो नहीं मरेंगे, किसी एक को तो बचाएगी। किसने कहा मैं इसे रोक रहा हूं? क्या मतलब? मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं। किसका? खुद ही देख लो। ये तुमने कैसे किया? तुम जाल के जाल में फंस गए मिलान। तुम ये नहीं कर सकते सुपर। सब तुम्हारे खिलाफ है मिलान, तुम्हारे अपने लोग भी। शायद इसीलिए जीलो ने मेरा साथ दिया। What the fuck? जेलियो नीचे उतरो, मैं इसे ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। माफ करना आयुष, तुम्हें धोखा देने के लिए।
और फिर सब ठीक हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा बाबा ने कहा था कि एंड में सब ठीक कर देना। ये लाइफ कितनी अजीब है ना, कल तक मैं आम लड़का था और आज मैं एक सुपर हीरो जिसने अभी अभी दुनिया को बचाया। क्या ये बात वो कभी जान पाएंगे? शायद मैं ही नहीं चाहता कि ये बात वो कभी जान पाए। मैं गायब रहना चाहता हूँ, बिल्कुल इस सूट की तरह, ताकि मैं सेफ रख सकूं अपने डैड को, अपने दोस्तों को, अपने प्यार को और इस प्यारी सी दुनिया को। पर ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। बेटा आज तुमने पूरे 23 साल पूरे कर लिए हैं। इस बार का गिफ्ट आपका वीडियो गेम या एल्बम नहीं होगा। फिर तुम्हारा सच ही तुम्हारा गिफ्ट है। आयुष, दुनिया में ऐसी 7 चीजें हैं जो हम कभी बदल नहीं सकते। बस ये जान लो कि तुम्हारी किस्मत उन 7 में से एक है। मेरे बेटे, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ और कभी थी भी नहीं। वो सूट तुम तक पहुँच गया होगा। मैं जिंदा हूँ मेरे बच्चे। माफ करना, ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें सिखा सकूँ कि प्यार कितनी अनमोल चीज़ है और उसके लिए आप किस हद तक जा सकते हो। वक्त आ गया है घर लौटने का। यह है मेरी पूरी कहानी। मां से मिलने जाना था, कब यहां फंस गया पता ही नहीं चला। अगर तुम सच कह रहे हो तो माफ करना, घर वालों से बिछड़ने का दर्द समझती हूँ मैं। तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच में बाधा नहीं बनना चाहती मैं। क्या तुमने भी अपनों को खोया है? मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम जल्दी उनसे मिलो और तुम्हें जिसकी तलाश है वो तुम्हें जल्दी मिल जाए। शुक्रिया। आप, मैं जाऊं? तुम जा सकते हो। माफ करना, तुम्हारा नाम क्या था? हाँ, नारी। मदद की कभी भी जरूरत पड़े तो बताना, बंदा हमेशा हाजिर है। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी जरूरत ना पड़े। जाओ, मिल लो अपने पिता से। ओके। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मिलो जल्दी अपने पिता से। चलता हूँ। अपने पिता से। जा